आज मैंने बनाई थी बहुत ही सिंपल तरीके से अरवी के पत्तों की सब्जी, जो सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। अगर आपके घर में भी सभी को अरवी के पत्तों की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपके पास स्टीमर नहीं है तो उसकी वजह से आप सब्जी नहीं बना पाते, तो बहुत ही आसान सा तरीका है ये, जिस तरीके से मैंने बनाया है। क्योंकि मेरे पास भी स्टीमर नहीं है तो मैं पतीले में पानी डाल के ही ये जो अरवी के पत्ते हैं इन्हें स्टीम देती हूँ और सब्जी बनती है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। आज सभी को ये सब्जी इतनी ज़्यादा पसंद आई, आप खुद ही देखना वीडियो में। मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट कितने बजे जाएगा, लास्ट अभी पक्का नहीं है मेरा। मतलब जाना ना जाना। अच्छा, और एक देखो छींक भी आ गई, भगवान कोई बात नहीं, बोला है लास्ट मुझे। क्या कहते हैं, बालों में ना आज मालिश करा लेना। बिल्कुल आप करोगे तो करवा लूँगा, तो बोल बोल के थक गया आपको, तूने कब मालिश बोला करनी थी। मुझे, अरे तूने कब बोला बोला, तो मैंने आपको, देखा बाल देखा, डैंड्रफ तो नहीं है? डैंड्रफ तो नहीं है खैर, पर वो करवा देना, मालिश कर नहीं, देना। डैंड्रफ तो नहीं है खैर, वो लेकिन उसका अगर क्या ऑयल नहीं कहते लगाए हैं, ना, ऑयल नहीं लगाएगा मैं तो एक हफ्ते पहले 50 रुपए की बालों की मालिश करवा के आया था। बेटा बाहर कराने की क्या जरूरत है, घर में है ना। जब नाइट में आप सोया, करते हो, मैंने आपको बोल बेटा बोल के थक नाइट में गया। सोया करे ना, तब उसे बोल दिया कर, ठीक है? उससे पहले कर दिया करूँगी, फिर सुबह नहा लिया कर, अच्छे से शैम्पू कर लिया कर, ठीक है? और खाना कब चाहिए? खाना दे दो अभी थोड़ी देर में, ठीक पाँच है, दस मिनट मैंने बनाई है चाय, साथ में जो बाटियाँ मैंने बनाई थी ना, मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, और चाय के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जॉर्ज, क्या कह टाइम हुआ है, बजे हैं 2:30, और अभी मैं आई हूँ किचन में। किचन में सबसे, किचन में मेरी थोड़ी सी गंदी नज़र आ रही होगी, गंदी नज़र ही क्या, गंदी हो ही रखी है। तो 2:30 बजे सबसे पहले तो मैंने बनाई है चाय, क्योंकि विशेष को अपनी पढ़ाई करनी है, तो कह रहा था मम्मी पहले चाय दे दो, चाय पीने के बाद ही मैं बैठूंगा अपनी स्टडी करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आधे घंटे पहले ही सही चाय, तो इसलिए तो पहले पियेंगे चाय। चाय पी के फिर मैं आज बैठा रहता है भैया की छात में बैठा रहता है। कल तो ना इसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरे बेटा की, बहुत ज़्यादा, और मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो गई थी, बार बार वॉमिटिंग कर रहा था, मतलब पानी भी पी रहा था ना तो उसको भी निकाल रहा था। कल ये भी इतना ज़्यादा परेशान हो गया, विश्वास तो इसका साफ कर करके परेशान हो गया, ये कर करके परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। सच्ची कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो सोच रही थी मेरे बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, मेरे बाबू, अब तो मेरे बाबू एकदम से ठीक हो गई ना, एकदम से ठीक हो गई ना, आराम से लेटा हुआ है, ये ऐसे लेटा रहता है बस, किसी के भी पैरों में आके लेट जाता है। आप विश्वास यहाँ पे अपनी कर रहा है वीडियो एडिट, और इसकी वीडियो आप लोग जरूर देखना, ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया है अपने चैनल पे। और अब मैं भी पी लेती हूँ फटाफट से चाय, टॉवल मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि ना आजकल किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा पसीना है, पसीना आ रहा है, तो मैंने सर के ऊपर रखी हुई है, एक तो ये कि बाल इधर उधर नहीं हो। और मौसम ना तेज़ धूप नहीं है, एकदम हल्की हल्की सी धूप है, और उसकी वजह से भी उमस इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, बाहर तो मतलब आने का दिल ही नहीं कर रहा, तो मैं बाहर तो बैठूंगी नहीं, मैं अंदर ही जा रही हूँ। इस बार ना अरवी के पत्ते बड़े ही अच्छे लेके आए हैं हस्बैंड, एकदम बड़े बड़े पत्ते हैं, काफ़ी हरे हरे, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी तोड़ के ही आए, फ्रेश पत्ते हैं, और 2 दिन से तो फ्रिज में रखे हुए हैं क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी, टाइम नहीं था इसलिए, और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सब्जी बनाने में, तो इस वजह से। लेकिन मैंने सोचा भाई अब मुझे शाम को भी कुछ बिजी रहना है थोड़ा सा, लेकिन अब मैं सब्जी थोड़ा सा पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें 1 घंटा तो करीबन लगेगा ही लगेगा बनाने में, तो बातें करेंगे बाद में, पहले चाय पी लेती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अरवी के पत्ते, साइज आप देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, और एकदम हरे हरे फ्रेश पत्ते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धो के दोनों साइड से, और ये है प्लास्टिक की टोकरी, ये वाली जाली वाली, तो इसमें मैंने रख दिया जिससे जो इनका पानी है सारा नीचे निकल जाए। लेकिन सच बताऊँ तो जब इन्हें साफ करते हैं धोते हैं ना, पानी टिकता ही नहीं है, एकदम से मतलब चिकने टाइप में है ये, तो इसलिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ इनको बनाना। अब देखिए जो इसका घोल तैयार किया जाता है अरबी के पत्तों में लगाने के लिए, ये मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, और इसमें मैंने क्या क्या डाला है, ये है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैंने तीखी रखी है क्योंकि सबको थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है इसलिए। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया अजवाइन, और 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, 1 पिंच मैंने लिया यहाँ पे हींग, 1 चम्मच लिए हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काला नमक, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करूंगी। तो सारे मसाले डालने के बाद 1 स्पून की सहायता से मैंने जो बेसन था इसमें मसाले थे इन सबको कर लिया अच्छे से मिक्स, कर
करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल पानी, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें डाला है पानी। पानी डालने के बाद आप इसका घोल तैयार करिए। एक साथ पानी तो डालना नहीं है, क्योंकि एक साथ पानी डालने से ये होता है कि आपसे ये पतला भी हो सकता है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करते हैं ना, तो इसमें लम्स भी नहीं पड़ते, साथ में घोल भी बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इस घोल के अंदर इनो वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं डालती हूँ, मतलब एकदम सिंपल रखती हूँ। और इसका जो घोल है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो और आप पहले से बनाते हो जब, तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बनाना नहीं आता, वो देख के ही बनाते हैं, तो इसका जो घोल है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, और नहीं तो स्टीम लगने में, उसे पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपके अरवी के पत्ते हैं ना उन पर ये टिकता नहीं है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, आप देख लीजिए, मैंने इस तरीके से रखी है। रखने के बाद इसे मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब जो अरवी के पत्ते हैं एकदम धुले हुए, एकदम साफ हैं, तो एक न्यूज़पेपर को मैंने स्लैब के ऊपर डाला। उसके बाद एक एक अरवी का पत्ता मैंने इस तरीके से रखा। जो पहला मैंने पत्ता लिया था ना, इस पर मैंने जो ऊपर की साइड होती है ना इसकी, फ्रंट वाली, उस पर लगाया। वैसे तो बैक साइड में लगाया जाता है, लेकिन मैंने एक पत्ते पर इस तरीके से लगाया। और इस पे मतलब क्या है ना, फ्रंट पे लगाने से ये होता है कि ये ऊपर की साइड से थोड़ा सा होता है चिकना, तो बेसन फिर रुकता नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है ना, फोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने एक पत्ते में बेसन को लगाया और अपने हाथों की सहायता से पूरे पत्ते पे आसानी से फैला लिया। अब मैंने दूसरा पत्ता निकाला, उसे मैंने इसके ऊपर, मतलब जो इसका फ्रंट वाला भाग था उसे मैंने नीचे की साइड रखा है, और ये इसकी बैक साइड है। तो इस पर मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा बेसन और लिया है। बेसन की लेयर आपको ना तो बहुत ज़्यादा मोटी लगानी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली सी लगानी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी लगा दोगे तो इनका जो साइज है काफ़ी हो जाएगा, और फिर ये है इनको पकने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा, स्टीम होने में मतलब। तो आप एकदम ज़्यादा हैवी इसकी जो लेयर है ना उसे ना रखें, तो मैंने हल्की हल्की लेयर मतलब पूरे उस पर लगा दी। लगाने के बाद मैंने, अब आप मतलब देख ही रहे हो कि जो अरबी के पत्ते हैं इनका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है ना, तो उसके हिसाब से मैंने तीन पत्ते लगाए, तीन पत्ते लिए और उसको मैंने फिर फोल्ड किया, तो इसी से काफ़ी अच्छा इनका मतलब जो साइज़ था ना ठीक ठाक रहा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने दो पत्ते लेके इनको कर दिया अच्छे से फोल्ड, क्योंकि मैं मतलब ये जो पत्ते ना इनका साइज़ सबसे बड़ा था, तो इसलिए तो यहाँ पे फोल्ड करके इनको रख दिया। अब सारे पत्ते मैंने इसी तरीके से तैयार किए और ये अच्छे से फोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे एक बर्तन में, जो चौड़ा सा बर्तन हो, उसमें मैंने पानी भर दिया है 2 गिलास के करीबन, और जब वो अच्छे से गर्म हो गया था, इसके ऊपर ये जो जाली है ना इसको मैंने रखा। रखने के बाद अब जो अरवी के पत्ते थे इनका साइज़ तो है बहुत बड़ा, तो आ नहीं पाता, मैंने बीच में से कट लगाया और उनको जाली के ऊपर रखा। उसके बाद एक प्लेट से इन्हें कवर किया, और जो सिर्फ बटना होता है ना, बटना मतलब उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया दबाव डाल के, जिससे अच्छे से स्टीम हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड से बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, तो पलट के मैंने दोनों साइडों से इन्हें अच्छे से स्टीम कर लिया। करने के बाद इन्हें मैंने निकाल लिया है एक थाली के अंदर और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गए थे, उसके बाद मैंने इनमें कट लगाया। अब देखिए इनका जो साइज़ है ना, वो आप मतलब कट इनका अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपको बड़ा साइज़ रखना है कि छोटा रखना है, लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है कि इनकी लेयर ही खुल जाए, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, और काफ़ी अच्छे से स्टीम भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है एक कढ़ाई के अंदर, और जब वो अच्छे से गर्म हो गया था, तो एक एक करके जो मैंने कट किया है, ये एक एक करके सारी स्लाइस को मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद, और फिर उसके बाद मैंने गैस को कर दिया मीडियम फ्लेम पे। एक बार तो मैंने तेज़ गर्म किया, उसके बाद डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे कर दिया, और करछी से थोड़ा सा ऑयल लेते हुए इनके ऊपर डालते हुए इनको मैंने अच्छे से सेका। जब आप इन्हें सेकें तो एक मतलब इसमें डालते के साथ ही आपको करछी नहीं लगानी है, पलटना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया और एक छलनी के अंदर निकाल लिया, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो थाली के अंदर आ जाएगा। अब उसी ऑयल में जो बचा हुआ है सबको मैंने फ्राई कर लिया, इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसे मैंने निकाल दिया। अब इसमें मैंने डाली है हींग, जीरा और अजवाइन, तीनों ही चीज़ें डाली है। साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, और मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च। डालने के बाद ये मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के लिए प्याज, जिनको मैंने एकदम बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है, और कट करने के बाद इनको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब
प्याज को और जो हरी मिर्च है इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी, तब तक जो इनका जो कलर है मतलब अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। इसमें मैंने थोड़े थोड़े कुछ मसाले डाले हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें लास्ट में गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो, नहीं है तो ना डालें। मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा परहेज चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए। तो इन सबको मैंने अच्छे से एक बार मिक्स किया और अच्छे से भून लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भून चुकी हैं। अब जो मैंने फ्राई करी हुई अरवी के पत्ते थे उन सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, गैस को कर देना है बंद, और बंद करके अच्छे से आपको करछी से आराम आराम से इन सारी चीज़ों को करना है मिक्स। तो यहाँ पे जो मेरी अरवी के पत्तों की सब्जी है बन के हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ घर वालों का रिएक्शन। वो सब्जी मेरी बन चुकी है, और सब्जी बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। फटाफट से रोटियाँ बना के सबको मैं खिला देती हूँ खाना, क्योंकि विशेष को उसके बाद करनी है अपनी स्टडी, कल उसका एग्जाम है इसलिए। खाना हो चुका है तैयार, अरबी के पत्तों की सब्जी है, साथ में है दही और रोटियाँ। सब्जी बनाने में ना मुझे पूरे 2.5 घंटे लगे थे, पूरे 2.5 घंटे। अब सब्जी कैसी बनी है ये पता नहीं, अभी तो आप खा के। पहले भी खाई है सब्जी? फर्स्ट टाइम थोड़ी बनाई है, फर्स्ट टाइम है। लेकिन ये जो अच्छी बनती है, हाँ अरबी के पत्ते होते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, और खाने में चले। जैसे रात में तो दाल बाटी चूरमा बनाया था आपने, वो भी बहुत बढ़िया लगा था, ये बहुत बढ़िया बना। थैंक यू। मसाला सही है? आपको तीखा खाना पसंद है, कम तो नहीं लग रहा? नहीं, कहोगे फीकी फीकी बनाई है, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे क्या लाइट मार रही है, हमारे जॉर्जी की आंखें। ओए होए, मेरे जॉर्जी की आंखें क्या लाइट मार रही है, क्या कर रहा है, अकेले अकेले बैठा हुआ है। ठीक है, आराम करो है। तो आज हमने अपने घर पे बहुत ही बड़ा मैकेनिक बुलाया है, ये देखिए मैकेनिक से मिलवाती हूँ। जिसके भी घर में कोई भी इलेक्ट्रिक जो सामान होता है ना वो ख़राब हो जाए, कॉन्टेक्ट नंबर तो कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। ये हमारा मकैनिक है, और ये सब बहुत ही अच्छे से ठीक कर देता है, और पैसे बहुत ही कम लेता है। तो भाई साहब ये आप इनसे करवा सकते हो, बहुत ही अच्छा मकैनिक है ये। ऐसा मकैनिक ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो हमारा है। हो गया ठीक। तो ये हमारा टेबल फैन है, इसमें क्या था ना, ये हमने रख रखा है बालकनी के लिए, ये हमने बालकनी के लिए रखा हुआ था कि बालकनी में थोड़ा सा बैठते हैं ना, तो जिससे गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी इसका कुछ अंदर से टूट गया था, तो अभी विश्वास ने ठीक किया है। हो गया ठीक। तो विश्वास ने कर दिया ये ठीक, ऐसे छोटे मोटे काम तो विश्वास कर ही देता है। साइड में रख देना बेटा इसको है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की हरियाली। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं, ये पूरे दिन इसी तरीके से खिलते हैं और शाम के टाइम में मुरझा जाते हैं। और ये जो ब्लू वाले फ्लावर्स हैं ना, ये विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ये तो सदाबहार है ही, तो पूरे दिन खिलते रहते हैं, शाम के टाइम पर मुरझा जाते हैं। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा खाली है, बाकी सारे भरे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं बारिश के दिनों में मतलब अच्छे से सारे पौधे मेरे सेट हो गए। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, पसंद आया हो तो लाइक।